हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, आपने ये थंबनेल में देख ही लिया है, हम उन्हीं सारे स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। ये हमने या तो बहुत पहले आपको बताए थे, ओके, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, कुछ हमने छोटे स्टॉक्स भी लिए थे, कुछ पैनी स्टॉक के रीजन से लिए थे, तो कहीं ना कहीं उधर भी जैसे सारे स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है वो भी गिरे हुए हैं, तो लॉस होता हुआ नजर आ सकता है। तो वहां पर आपको क्या करना है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करो और ये नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा बंधन बैंक। बंधन बैंक मैंने बहुत टाइम पहले आपको बताया था, बार बार अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक रेंज है ये, और ये इस रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है और इसी के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, इसके जो नंबर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगी एक बहुत बेहतरीन नंबर आया है, और जो ये शेयर है ओके कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बार बार इस लेवल पे आता है, कोशिश करता है ऊपर जाने की। तो अब क्या हो सकता है, अब सिंपल ये स्टॉक ओके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक ज्यादा गिरने नहीं वाला, शायद एक आध दिन की गिरावट हो सकती है, बट जैसे ये इस लेवल को निकालेगा ओके और बैंक में जैसे ही तेजी होगी तो ये शेयर सबसे पहले भागता हुआ नजर आएगा, और ये शेयर भागने के बाद सीधे यहाँ पर 425 के लेवल को टच कर सकता है। तो प्रिपेयर रहिए, कभी भी ये शेयर आपको चौंका सकता है और 425 के लेवल को जाके टच करने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो उस केस में आप यहाँ पर एग्जिट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि टच करने के बाद जरूर यहाँ पर नीचे आएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक और स्टॉक की। हमने यहाँ पर बहुत टाइम पहले आपको एक स्टॉक्स बताया था, श्री गणेश बायोटेक, ये स्टॉक्स बताया था। और ये स्टॉक्स अगर हम देखें तो लगातार इसमें यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई, ओके लगातार ये स्टॉक्स यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। और अगर हम देखें, इसने बीच में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर बोनस वगैरह भी यहाँ पर होता हुआ नजर आया, और इसका जो लेवल था वो यहाँ से टूटता हुआ नजर आया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो ये यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे 25 सितंबर 2017 जिस लेवल पे आया था उधर से भी यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस केस में आपको करना क्या चाहिए, इस केस में देखिए मुझे लगता है कि इसने एक बॉटम बना लिया है, ओके यहाँ पर एक बॉटम नाम की चीज होती है, एक बॉटम बना लिया है। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इतने खास नहीं आए, एक बार साथ साथ हम रिजल्ट भी देखते चाहते हैं अगर किसी कंपनी के रिजल्ट आए हैं, ताकि हमें शायद हमें और भी थोड़ा सा पता चले कि एग्जैक्टली शेयर के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे आप इसका मार्जिन, तो इसका मार्जिन ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा आया है, और इसने एक बेस बना लिया है। मुझे नहीं लगता कि ये इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे जाएगा, ओके और ये कोशिश करेगा इस लेवल को टच करने की, इस लेवल को या इस लेवल को टच करने की ये पूरी कोशिश करेगा। इन दैट केस ओके आप यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर उसके बाद जब अगर इस लेवल को या इस लेवल को ये निकालता है तो एक रैली और देखी जा सकती है, जो कि इसे शायद ₹6.55 के आसपास ले जाए। तो हमने यहाँ पर इसे लगभग ₹3.5 के आसपास या ₹4 के आसपास यहाँ पर खरीदा था, बोनस वगैरह सब कुछ होने के बाद की बात कर रहा हूँ। और अभी हम यहाँ पर ये शेयर लगभग 2.99 लगभग ₹3 के आसपास आ गया है। तो जैसे ही ऊपर जाए आप यहाँ पर सेल के बारे में भी सोच सकते हैं अगर आपको डर लग रहा है, क्योंकि ये स्टॉक्स जब चलते हैं तो इसी तरीके के यहाँ पर रिटर्न देके जाते हैं, बट जब गिरते हैं तो इसी तरीके से गिरावट भी होती है। तो इसे पैनी स्टॉक की तरह ट्रीट करना है, ना ज़्यादा पैसा लगाना है ना ज़्यादा आपको टेंशन लेनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे एशियन ग्रेनेटों की। एशियन ग्रेनेटों का यहाँ पर आपको पता ही है, कुछ दिन पहले यहाँ पर राइट इशू आया था, राइट इशू के बाद शेयर ने एक तेजी दिखाई थी ओके और तेजी दिखाने के बाद यहाँ से फिर दोबारा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसके जो सपोर्ट थे वो सारे के सारे सपोर्ट लास्ट टाइम का जो इसका लो था उसे भी यहाँ पर तोड़ के नीचे निकलता हुआ नजर आ रहा है। बट इसका जो बेहतरीन सपोर्ट मुझे नजर आता है, जो मैंने यहाँ पर आपकी ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखी है ₹64.25 के आसपास का, तो ये यहाँ पर एक बेहतरीन इसका लॉन्ग टर्म का यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो चीजें समझ में आएगी, यहाँ पर देखिए ये एक इसका सपोर्ट नजर आता है। तो इसके नीचे गिरा तो फिर एक शायद ये शेयर 48 तक जा सकता है, बट हमने यहाँ पर पैसे लगा रखे हैं। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो जब भी इसका राइट इशू आता है और ये राइट इशू जब इंटाइटल्समेंट लिस्ट हो जाता है उसके बाद एक रैली होती है जो ऊपर तक जाती हुई दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर गिरा था, गिरने के बाद ये शेयर लगभग 150 तक आया था, अगेन ये शेयर यहाँ पर गिरने के बाद शायद 87 90 तक आए। तो आप एक एवरेज, हमने जब राइट इशू में अप्लाई किया है और जब एक एवरेज प्राइस आएगा तो इसी के आसपास आना है, और इसके आसपास आप अगर चाहे तो निकलने की भी सोच सकते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट में। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोचिएगा, इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, शायद कुछ अच्छा होता हुआ नजर आए। और जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो ये स्टॉक सबसे बेहतरीन स्टॉक है। इस चीज को याद रखिए, जब रिटर्न देगा तो मल्टीपैगर रिटर्न यही देता हुआ नजर आएगा। तो एशियन ग्रेनेटो अच्छा स्टॉक मेरे अकॉर्डिंग है। इसके बाद हम बात करेंगे बीसीजी की। बीसीजी के रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट देख लीजिए। ये शेयर हमारे अकाउंट में आ चुके हैं बट लिस्ट नहीं हुए हैं। 19 मतलब कल की डेट में ये शेयर लिस्ट होते हुए नजर आएंगे, और जैसे ही लिस्ट होते हुए नजर आएंगे तो देखिए यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, इसी के आसपास घूम रहा है। ओके, और अगर ये कल लिस्ट होते हैं और इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर देते, याद रखिए 71 को, तो एक अच्छी खासी तेजी इसमें बनती हुई नजर आएगी। एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ बना हुआ है। दूसरा सपोर्ट की बात करूँ ये, और इस लेवल को निकाला तो यहाँ पर सबसे पहले ये शेयर 82 और फिर उसके बाद यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बीसीजी पे भी मेरी राय आपके सामने ही है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक की। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी और इस स्टॉक्स का मैंने जिक्र किया था 5 रुपये 5.5 रुपये के आसपास। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस स्टॉक्स को, ये स्टॉक्स के रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगी इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन है। इसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद इसने अपना ये देखिए यहाँ पर ये कोशिश कर रहा था, इसके बाद लगातार गिरावट होने के बाद ये शेयर लगभग काफी यहाँ पर गिरा, 4 रुपये 37 पैसे के आसपास आ गया। बट अगेन यहाँ पर ये शेयर अब भागने की कोशिश कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस के पास है। जैसे ये रेजिस्टेंस को निकालेगा, ये दो लाइन आपको दिख रही है, ओके, इन दोनों को क्रॉस किया तो सीधे यहाँ जाएगा। और मेरा टारगेट मुझे लगता है कि ये अब आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर लगभग इस लेवल तक पहुँचने की या इस लेवल तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेगा। तो आप इसकी तरफ नजरें बना सकते हैं, बट खरीदना और सेलिंग बेचना कोई भी यहाँ पर सजेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिएगा। अवेक्सिया अच्छा स्टॉक दिखता है रिजल्ट के मामले में, इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर इस शेयर को चूज किया था। इसके अलावा ईरम फार्मा, ये भी एक स्टॉक है जो हमने यहाँ पर ऊपर इसी लेवल पे हमने यहाँ पर खरीदा था। उसके बाद अगर देखें तो सॉरी इधर हमने कहीं खरीदा था, इसके बाद एक लगातार गिरावट, फिर ये भागा भी था, फिर यहाँ पर गिरावट, और बीच में यहाँ पर जब आया था तब भी मैंने आपको यहाँ पर बाइंग करवाई थी। उसके बाद यहाँ पर ये शेयर गया था तो यहाँ पर सेल भी कराया था। अगेन ये नीचे आ गया है, एक सपोर्ट में यहाँ पर चल रहा है, ओके। और इस सपोर्ट पर जो एक कैंडल बनी है ना, याद रखिए एक बुलिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है इस शेयर में, ओके, ये सपोर्ट नजर आता है। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं अच्छे से, हाँ जी। तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट है और सपोर्ट पर जो एक कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर, ओके, इन्वर्टेड हैमर हमेशा यहाँ पर तेजी का संकेत होता है। इस लेवल को जैसे ही निकालेगा तो याद रखिए ये शेयर शायद 8 रुपये तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर यहाँ पर आपको डर लग रहा है तो आप एग्जिट करने की भी सोच सकते हैं, इस लेवल पे आए। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं तो छोटे पैने स्टॉक है तो इसी तरीके से चलेंगे, और जब भागेंगे तो याद रखिए यही शेयर यहाँ पर 5 रुपये वाला शेयर 2500 रुपये 2600 रुपये तक आया है, और इसके बाद इसने बोनस स्प्लिट भी दिया है, तो इसे यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा हम बात करेंगे एवी पॉलीमर की। एवी पॉलीमर्स को मैंने यहाँ पर 38 पे यहाँ पर रिकमेंड किया था, ओके, यहाँ पर 38 पे जब आया था इसी के आसपास हमने रिकमेंड किया था। उसके बाद ये यहाँ पर रिकमेंड किया था, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसी तरीके से खेलता रहा। और इसके बाद सीधे इसने ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर आ गया है नीचे। अब क्या करना है? अब सिंपली ये शेयर ने देखिए यहाँ पर मुझे लगता है बॉटम बना लिया है, ओके, इससे ज़्यादा यहाँ पर ये गिरने नहीं वाला, ओके। और यहाँ से नीचे आता है तो शायद ये फिर और लोअर सर्किट मार मार के शायद नीचे आए, बट ये लोअर सर्किट अपर सर्किट वाला शेयर है, इस चीज को भी याद रखिए। मल्टीपैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है बट कंपनी के रिजल्ट अच्छे थे। अगेन इसके रिजल्ट आने वाले, एक बार देख लीजिएगा, रिजल्ट अच्छे आए तो ये शेयर फिर सीधे 37 रुपीज़ तक की रैली बना सकता है, तो 37 के बाद एक एक करके धीरे धीरे ऊपर भी जा सकता है। बट यहाँ पर 37 पर मेरी एग्जिट करने की सलाह रहेगी, ओके, हमने इसी लेवल पे आसपास यहाँ पर इसे खरीदा भी है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और शेयर की जिसका नाम है हैथवे केबल। हैथवे केबल के अभी रिजल्ट आए थे, ओके, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर इस शेयर में मार्जिन पे इफेक्ट पड़ा था यहाँ पर देखिए, हाँ तो यहाँ 26% का मार्जिन था और 22% का ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे रेस्पेक्टिवली। बट देखिए तो अभी मार्जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है, बट कंपनी की ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो मैनेजमेंट पूरा चेंज होता हुआ नजर आया है, एवरीथिंग इज लुकिंग फैंसी। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे देखिए तो शेयर भी यहाँ पर सस्ता नजर आता है पीई के हिसाब से, लगभग अपने आधे पे के पीई पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का आरओसी आरओई कुछ नहीं है बट डेट फ्री कंपनी है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है ओके। और इसने भी मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर इसने बॉटम क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ऑलरेडी एक गिरावट अगर आप देखेंगे इसके टॉप से लगातार ये शेयर हायर लोज और लोअर लोज बनाते हुए नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शेयर यहाँ पर का एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके नीचे आया तो और शायद गिरावट हो सकती है ओके, बट यहाँ पर मुझे लगता नहीं है ज़्यादा गिरावट होगी, यहाँ पर चाहिए जाएगी। और इस लेवल को अगर निकालता है 21 के लेवल को, जो कि बार बार यहाँ पर आके ये घूमता हुआ नजर आता है, जैसे इसे निकाल लेगा इस रेंज से बाहर जाएगा तो एक रैली होती हुई दिखाई देगी और इस रेंज में आता हुआ दिखाई देगा। तो इस रेंज में जैसे ही आया तो अच्छे खासे यहाँ पर पैसे बनते हुए आपके नजर आ सकते हैं, तो ये शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, हैथवे इसका नाम है। इसके बाद हम बात करेंगे मोरपेन लैब। मोरपेन लैब हमने बहुत टाइम पहले यहाँ पर आपको रिकमेंड किया था ओके, उस टाइम हमने यहाँ पर बार बार रिकमेंड करके यहाँ पर पैसे भी कमाए थे। उसके बाद से मैंने आपको इस स्टॉक्स के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बताया, बट अगर हम यहाँ पर देखें मोरपेन लैब से रिलेटेड एक मिनट ओपन हो जाने दीजिए तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक बार रिजल्ट देख लेते हैं अगर आए हो तो मोरपेन लैब देखें तो इसमें भी इसी तरीके से इसने हायर लोज ओके और लोअर लोज बनाते हुए दिखाई दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए चीज़ें लगातार नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, इस तरीके से खेल कर रहा है ये भी शेयर। और इसने एक बॉटम क्रिएट कर लिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये इसका लेवल है 36 के आसपास का, बार बार इधर ही आता है फिर ऊपर घूमता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर इसके रिजल्ट पर डिपेंड करेगा जो भी होगा। अगर इसके रिजल्ट बढ़िया है तो याद रखिए ये शेयर फिर दोबारा 55 के लेवल को, जो 54 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, बट जैसे ही अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आया तो याद रखिए ये गिरता हुआ नजर आ सकता है। रिजल्ट देख लीजिए 368 करोड़ रुपीस की सेल्स थी, तो देखिए यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अगेन यहाँ पर मार्जिन पर फर्क पड़ा है ओके। यहाँ पर एफआईडीआईज भी यहाँ पर खास नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये शेयर इस लेवल को दोबारा टच कर सकता है और टच करने के बाद अगर इसे नीचे आता है ओके इस सपोर्ट को यहाँ पर तोड़ता है तो याद रखिए नीचे आएगा, अदरवाइज नीचे ऊपर के लेवल पे यहाँ जाने के लिए इसे 46 का लेवल और इस लेवल को यहाँ पर 55 का लेवल को तोड़ने की बहुत जरूरत है। मोरपेन लैब पे ये है। इसके अलावा हम बात करेंगे मार्क्सन फार्मा, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पर्टिकुलर स्टॉक है मार्क्सन फार्मा। इससे रिलेटेड भी हमने काफ़ी, जब ये शेयर भाग रहे थे तो हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी और आपको बार बार बताया था कि ये छोटे शेयर है ओके, और जिस तरीके से इन्होंने रैली दिखाई थी और फिर भी यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न्स और दिखा रहे थे। तो देखिए कंपनी रिजल्ट अच्छे दे रही है, बट यहाँ पर क्या, कंपनी का जो यहाँ पर एक्सपेंसेस होने की वजह से इनके मार्जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है। जो मार्जिन 26, 25, 29% के थे वो 16% के रह गए हैं। तो मैंने देखिए एक वीडियो बनाई है, ये वाली वीडियो, इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई है। और क्या समझाया है कि सिंपली अभी मार्केट के जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस और इन्फ्लेशन, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इनके मार्जिन पे इफेक्ट आ रहा है और मार्जिन पे इफेक्ट, बट ये अपने प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो बढ़ा रहे हैं। तो जब यहाँ पर ये इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा तो प्राइस तो यहाँ पर घटने नहीं वाले, बट अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर स्टॉक्स जो अब फिर सेल करेंगे, और जब सेल्स तो बढ़ ही रही है इनकी, लगातार देख सकते हैं सेल्स बढ़ रही है बट एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो यहाँ पर मार्जिन दोबारा अच्छा शुरू हो जाएगा। और जब जून की बात करेंगे तो शायद और अच्छा, एक दो क्वार्टर में प्रॉब्लम हो सकती है बट सितंबर और दिसंबर से मार्जिन और अच्छे आए, और जब मार्जिन अच्छे आएंगे तो कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो अभी इसके रिजल्ट आने बाकी है, एक बार इसके रिजल्ट देख लीजिएगा, उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क्सन फार्मा में पोजीशन लीजिएगा। अगेन यहाँ पर हम बात करें 45 का लेवल यहाँ पर नजर आता है, जो एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है। ये सपोर्ट जब तक कैरी कर रहा है ओके, जब तक होल्ड कर रहा है अच्छी बात है, जैसे ही तोड़ गया तो नीचे आ सकता है, बट इसने एक राउंडिंग टॉप बना लिया और अच्छी खासी गिरावट देखा जाए तो लगभग शेयर 50% क्रैश हो चुका है ऑलरेडी। तो थोड़ी बहुत गिरावट हुई तो कह नहीं सकता, बट इसके बाद यहाँ पर चीज़ें जब भागेगी तो राउंडिंग, जैसे राउंडिंग टॉप बनाया था वैसी राउंडिंग बॉटम बना के चीज़ें ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है, बट इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा लगभग 6 महीने से 1 साल। तो यहाँ पर जब चीज़ें ऊपर जाएंगी तो अच्छा रिटर्न भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये सारे स्टॉक्स थे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।